हेलो नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, जो कन्फ्यूजन रहता है लोगों में कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं किस मीडियम को चुने और उस मीडियम में कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए एक हम वीडियो का प्लान करें जिसको हम लोग अब कर रहे हैं। मीडियम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज वो हमारे सिलेबस प्रिपरेशन, हमारे रिवीजन में, हमारी पढ़ाई में, हमारे मेंस के जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें, वो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि हम इस किस आधार पे अपने आप को चेक करें कि किस मीडियम में, क्या इंग्लिश मीडियम में हम कंफर्टेबल हैं या हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हैं। आम तौर से क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में 4 लाइन 10 लाइन बोल लेते हैं तो हमको लगता है हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है, और किसी को लगता है कि हम बचपन से हिंदी भाषा बोलते आए हैं, हम हिंदी में कंफर्टेबल हैं। जबकि ये दोनों आधार एग्जामिनेशन के मीडियम को सेलेक्ट करने में मेरे हिसाब से थोड़े से गैपिंग मिल जाती है, जिसमें कि मिस्टेक हो सकती है। तो इट्स बेटर कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को तय करने के लिए, अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, हम सबसे पहले जो कि हर जगह आवश्यकता पड़ती है इवैल्यूएट करने की। अब यहाँ पे क्या इवैल्यूएट करना है, कई लोग कहेंगे कि यहाँ क्या इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट ये करना है कि हम कोई भी लैंग्वेज है किसी भी लैंग्वेज की स्पीकिंग स्किल, हमारी बात करने का जो स्किल है, फिर राइटिंग स्किल, ये दोनों एक बेसिक स्किल है कि बात करने का, अगर हम कम्युनिकेट करना है हिंदी में या कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में, तो कितने फ्लुएंटली हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और लिखने के आधार पे कि अगर कभी कभी ये होता है कि हिंदी अगर हम बात करते हैं, हिंदी हम बोलते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, हमारा मीडियम हिंदी ही होगा, जबकि इंग्लिश हम और अच्छे से लिख सकते हैं लेकिन हमको लगता है कि हमको हिंदी में जाना, एंड वाइस वर्सा दोनों हो सकता है। हो सकता है कि इंग्लिश में हम बात कर लेते हैं अच्छा, लेकिन जब लिखने पर आते हैं तो उतना अच्छा नहीं लिख पाते हैं। यहाँ पर मीडियम जो है हमारा, जो अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये स्टेप आ जाता है कि जो हम लिखते हैं, जो हमारी राइटिंग कैपेबिलिटी है, राइटिंग कैपेसिटी है, राइटिंग स्किल है जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को, क्योंकि अगर हमारा कमांड नहीं है हमारे उस मीडियम पे जिसको हम चुन रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जब एक्सप्रेस नहीं करेंगे तब क्या दिक्कत आएगी, तब जो हमारा एक्सप्रेशन है, एक कहते हैं ना कि हम क्या एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, तो जो हम बताना चाह रहे हैं अगर हम उस मीडियम में कंफर्टेबल नहीं हैं, उस मीडियम में अगर हम कंफर्टेबल नहीं हैं, तब क्या दिक्कत आएगी, तब ये दिक्कत आएगी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने जवाब को, मान लीजिए ऐसे ही लिख रहे हैं, हमारे को ऐसे बोला गया, अपने शहर के बारे में लिख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए एग्जाम में एक जनरल बात कह रहा हूँ, तो वो ऐसे लिखने के लिए हमारा मीडियम हिंदी हो या हमारा मीडियम इंग्लिश हो, उस मीडियम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है हमको, एक्सप्रेशन की। हम अपने भाव को, अपने जो मन में हमारे विचार हैं उनको प्रकट करना पड़ेगा, उनको प्रकट करने के लिए फिर हमको लिखना पड़ेगा, राइटिंग स्किल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे फिर वो चीज़ आ जाएगा कि पहले हम उसको इमेजिन करेंगे, सोचेंगे, जब सोचेंगे फिर उसको हम रिटर्न करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसका जो इवैल्यूएशन है वो आपको करना है कि अगर हम हिंदी मीडियम की कोई बुक्स रीड कर रहे हैं तो हम कितने कंफर्टेबल हैं उसका, अगर हमको ब्रीफ, हमने 2 पेज पढ़ा, 2 पेज को हमको अगर लिखना है अपनी लैंग्वेज में, तो हम कैसे लिख सकते हैं।
राइट अवे इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हैं तो हम बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितने कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, उसमें भी हम दो पेज रीड करें और उसको इंग्लिश में लिखने की फिर प्रक्रिया को करें। तो एटलीस्ट ये एक बेसिक बेबी स्टेप होगा हमको क्लियर करने के लिए कि हमारे लिए जो मीडियम का आधार है यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको और कुछ नहीं हमारा कंफर्ट। कहते ना एक कंजीनियल लेवल होना चाहिए हमारे और हमारा जो मीडियम जो हमने चूज किया है, क्योंकि एक बहुत क्योंकि ये मैं मिथ इसलिए बोलूंगा क्योंकि यूपीएससी ने अभी कभी ऐसा नहीं बोला है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में मार्क्स के जो है कि इसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे इसमें मार्क्स कम आएंगे, तो दोनों जगह से सिलेक्शन होते हैं, दोनों जगह से सिलेक्शन होते हैं। हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं उनको लगता है कि राइटिंग के प्रैक्टिस की कम जरूरत है, तो यहां पे क्या हो जाता है लैक ऑफ प्रैक्टिस सबसे बड़ा कारण है, लैक ऑफ प्रैक्टिस सबसे बड़ा कारण है मार्क्स कम आने का, सिलेक्शन कम होने का। हम जो है कहीं ना कहीं ये मार्क्स जो लो आ रहे हैं ये लैक ऑफ प्रैक्टिस भी, देखिए बहुत से बच्चे परफेक्ट होंगे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल साधारण बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जो परफेक्ट है उसकी कोई बात ही नहीं है, गुड फॉर यू। यहाँ पे जो हिंदी मीडियम में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है मार्क्स कम आने की, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड कुछ चीजों में जो मटेरियल है, कुछ चीजों में जो बुक्स हैं उसका भी कहीं ना कहीं चैलेंज जो है। हालांकि बहुत सारी अच्छी कोचिंग्स हैं जो कि प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का थोड़ा सा चैलेंज के वजह से, लेकिन ये सारी चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं कैसे, प्रैक्टिस करके। कोई भी चीज़ है अगर हमको कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसकी समरी मिल रही है हिंदी में, उसको हम समझ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं अपने नॉलेज को, करंट अफेयर्स को, लेकिन उसको अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम लिख के समझेंगे नहीं, हो सकता है हमारी मात्राएं बहुत गलत हो, हम बात बहुत अच्छे से करते हैं हिंदी में लेकिन जब लिखने आते हैं तो रेड 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 मार्क्स जो है उसमें आ जाते हैं, अगर हम किसी को दे देंगे चेक कर लो, तो ये दिक्कत आ सकती है बहुत सारे लोगों के साथ। तो कैसे तय करें हमको प्रैक्टिस करना है, चाहे हम हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें, हमारे मार्क्स हमारी नॉलेज पे, हमारे आंसर राइटिंग किस तरीके से हम आंसर को एक्सप्रेस, देखिए हिंदी में एक्सप्रेस करने का अपना अभाव होता है, उतना इंग्लिश में एक्सप्रेस करने का अलग फील होता है। तो जैसे इंग्लिश में हम बात करते हैं कि ऐसे है तो भाई इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, इसी तरीके जब हिंदी बात करते हैं तो एक्सप्रेस करने में अगर मान लीजिए किसी चीज़ को आप समझा रहे हैं तो थोड़े से वाक्य और लगेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी तब आप अपने आप को बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की, हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में आप अगर प्रैक्टिस रखेंगे तब आप चीज़ों को आसानी से बता सकेंगे, नहीं प्रैक्टिस रखेंगे, नॉलेज अंदर रखेंगे और सोचेंगे हिंदी लिखने में क्या है, ये तो बचपन से ही पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको आता है, तो कहीं ना कहीं स्पीड भी यहाँ मैटर करती है। स्पीड, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले के भी छूटते हैं, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस हमको कहीं ना कहीं और ज़्यादा हमारी स्पीड इससे लो हो जाती है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड हमारी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे पेपर में उसको हम क्या करेंगे, उनको हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हमको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 7 से 8 मिनट के आसपास का एक एवरेज ले सकते हैं, उतने मिनट मिलते हैं, उतने मिनट में हमको रीड करना, प्लान करना, इमेजिन करना और उसको लिखना, उसके लिए हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लैक ऑफ प्रैक्टिस हमको मार्क्स कम देगा, इसलिए बेटर है कि हम अपनी स्पीड सुधारेंगे प्रैक्टिस करके, मार्क्स को बढ़ाएंगे प्रैक्टिस करके, चाहे हम हिंदी मीडियम की तरफ हैं चाहे हम इंग्लिश मीडियम की तरफ हैं। मीडियम फैशन नहीं है कि
कि जीन्स आज की डेट में जो रग्ड जीन्स चल रही है तो सब पहने। मीडियम हमारा खाने का टेस्ट है कि अगर हो सकता है किसी को चाइनीज पसंद है, किसी को इंडियन पसंद है, किसी को इटालियन पसंद है, सबका अपना अपना टेस्ट का पायलट होता है। तो इट्स बेटर टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर मीडियम एंड वॉट एवर मीडियम यू चूज, आफ्टर चूजिंग अ मीडियम गो हैड विद दैट। उसके मटीरियल उस मीडियम के देखें, बुक्स उस मटीरियल की देखें, प्रैक्टिस करें, स्पीड की एक्यूरेसी और बढ़ाएं, लिखने की क्षमता शुरू से जो है डेवलप करें, किसी भी चीज़ को ग्रांटेड ना लें, मात्राएं देखें, एक्सप्रेशन कैसे कैसे फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, अंडरलाइनिंग कोई भी चीज़ है, तो एक ब्यूटिफुल जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है पेपर में, वो हम तभी सीख सकते हैं एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, टाइम कंस्ट्रेंट को मैनेज करते हुए। सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो हमको बता सकता है कैसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कोई 2 घंटे का जो है भाषण नहीं दे रहा हूँ या कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो है जिससे आप ये समझ जाएं कि आपको अपने आप को जज कैसे करना है। सिर्फ बोलने पे चाहे इंग्लिश या हिंदी मीडियम नहीं चूज करना है, लिखने पे भी आपको ध्यान देना है, स्पीड पे आपको ध्यान देना है, मार्क्स आपको उससे लेने हैं। हमारी सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मटेरियल्स, बुक्स, एजुकेटर, सारी चीज़ें हमारे पास होने चाहिए जो हमको गाइड करें, हमको बताएं, हमको रास्ता दिखाएं, चाहे हम ऑनलाइन पे जाएं, चाहे हम ऑफलाइन पे जाएं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ हमको चाहिए जो कि हमको गाइड करके आगे इस पाथ पे लेके जाएगी। तो इसी नोट पे करते हैं वीडियो क्लोज, एंड अगर आपके कोई डाउट हैं तो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।